हाइंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर द ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगता है अभी जब इतने टाइम की मेहनत ऐसा रंग लाती है? जाहिर सी बात है, अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे हैं, लेकिन जब तक ओपन नहीं हुआ था शो बहुत नर्वस थे, बहुत डर था। कहीं ना कहीं एक यकीन तो था कि कुछ अच्छा कर रहे हैं जी। और लोगों को पसंद भी आएगा, लेकिन फिर पर्दा उठता है तो पर्दा ही उठता है। अपने लोग तो सब अच्छा ही बोलते हैं जी। लेकिन जब पब्लिक देखती है तब हकीकत समझ में आती है, और पूर्व वाले की मेहरबानी है कि पब्लिक को पसंद आया। सर, जब प्रीमियर हो रहा था तो काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर थे, तो वर यू लिटिल नर्वस टू परफॉर्म? नर्वस से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं एक्साइटेड इसलिए था कि मैं अकबर प्ले कर रहा हूँ, जो पृथ्वीराज कपूर साहब ने किया, और उनके ग्रैंडसन सामने बैठे हुए हैं। तो मैं नर्वस की बजाय उस अपॉर्चुनिटी को सोच रहा था कि कितने कम लोग होंगे जिनको ये खुशनसीबी मिली होगी कि उनके सामने परफॉर्म करें, जिसको देखने के लिए अपने घरों से खुद चलकर यहां तक आए कि देखते हैं कौन हमारे दादा का रोल कर रहा है। सो इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी रादर देन नर्वस मोमेंट फॉर मी। सर, कितने आवर्स की प्रैक्टिस रोज की रही और कितने टाइम तक आपने ये, मतलब कितने मंथ्स प्रैक्टिस किया? या 2 महीने से भैया सुबह 8 बजे से शुरू हो जाते थे, और फिर जो ग्रिलिंग चलती थी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बहुत तरीके से ट्राई किया इसको। कभी लगता था कि बहुत लाउड है, कभी लगता था बहुत लो है, तो कभी इस तरह से कभी उस तरह से। पहले 15 दिन तो हम टेक्स्ट तक पहुँचे नहीं, सिर्फ लाइनों को किस अलग अलग तरीके से बोल के देखते रहे, मतलब टेक्स्ट एक्सप्लोर किया। हालांकि सब कुछ है, ऑलरेडी एक रिलीज फिल्म है, लेकिन फिर भी उसमें क्या हम अपना कुछ डाल सकते थे या क्या कुछ नया कर सकते, वो कोशिश की। निसार सर, जब आपको पहली बार पता चला कि मुगले आजम के प्ले बनने वाला है म्यूजिकल, तो डेफिनेटली थोड़ा सा अप्रिहेंसिव होंगे कि इसको लेकर, क्योंकि वो एक कल्ट मूवी थी, उससे कंपैरिजन होंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, सच्ची बात बताऊँ जी, मैं बिल्कुल भी अप्रिहेंसिव नहीं हुआ। मुझे ये लगा कि यार मुगले आजम करेंगे, वाह। मैं सच बता रहा हूँ, तब तक मुझे जब पहली बार कॉल आया मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या रोल करने वाला हूँ। मुझे जस्ट ये पूछा गया कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आने वाले दिनों में आप कितने मसरूफ़ हैं। मैंने बोला क्यों, तो बताया गया कि मुगले आजम हैं और जो फिरोज़ अब्बास साहब डायरेक्टर हैं उसको स्टेज पर होना। तो आई सेड वाह, मुगले आजम ऑन स्टेज, तो ये तो वंडरफुल होगा। ऊपर से डायरेक्टर साहब ऐसे हैं, फिरोज साहब ऐसा, कोई नया डायरेक्टर होता तो शायद थोड़ा इंप्रेसिव होता, यार पता नहीं क्या होगा, अपना कॉस्ट्यूम ड्रामा हो जाएगा, मेलो ड्रामा हो जाएगा। लेकिन फिरोज साहब हैं पीछे, डायरेक्टर ऐसे हैं, तो मुझे पता था कुछ तो अच्छा होने वाला। एंड फिर घर आया, मैंने डिस्कस किया, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं बिल्कुल अप्रिहेंसिव नहीं था। और एक बात मैं और ऐड कर दूँ, जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, एक सीन है इसमें जब मैं बेटे के पास जाता हूँ अपने, तो मुझे वो सीन भेजा गया था ऑडिशन के लिए, तो मेरे अंदर कश्मकश चल रही थी कि अभी मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि तब तक मुझे कुछ ब्रीफ नहीं किया गया था कि ये किस फॉर्म में होगा, हम सेम कॉपी करेंगे, अलग करेंगे, क्या करेंगे। तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैंने दिल में सोचा कि जो मुझे लगता है मैं वैसा करता हूं, लेट्स सी। देन आई वेंट टू कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑफिस, मैंने उनसे ही पूछा कि भाई इसको किस तरीके से करना है, जो किया पृथ्वीराज कपूर साहब ने वही करना है, कैसे करना है। उन्होंने कहा कि आप एक बार अपने तरीके से करिए, फिर अगर हमें कुछ लगा कि उसमें कुछ ऐड करना है या कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हम बताएंगे। लेट्स डू इट वंस योर वे, एंड आई डिड इट माई वे, जस्ट वन टेक, बिलीव मी, दिस सेड ओके। मैंने कहा यार एक ले लो एंट्री के लिए, मैं थोड़ा, मुझे क्लियर नहीं था। बोले सर मिल गया। सो शायद कहीं ना कहीं जो फिरोज़ अब्बास साहब की जो सोच थी, जिस तरह से इस प्ले को करने की, जिस तरह से इस किरदार को करने की, वो ऑलरेडी वो मैच होगी, जिसकी वजह से मैं आज अकबर कर पा रहा हूँ। सर, बेसिकली जब ये मिला आपको, तो इसमें बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स हैं, उर्दू लैंग्वेज का थोड़ा सा है डिक्शन, तो कितना इजी था आपके लिए ये करना, मतलब डिफ़िकल्टी कितनी, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम ऐसे वर्ड्स में यूज़ नहीं करते हैं, हाउ वाज इट? देखिए, मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ जी, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, तो हमारी ज़ुबान को लेकर तो एक ट्रेंडिंग है ही जी। तो ज़बान इतनी मेरे लिए मैटर नहीं करती, मैं मेहनत करता हूँ, कुछ कुछ जगह पे मुझे नहीं भी पता था, तो वो कोशिश की, पता कर लिया। डिक्शन टीचर थे हमारे पास कमाल साहब, उन्होंने कमाल का काम किया, और ज़बान मेरे लिए इतना बड़ा मतलब ऑब्स्टेकल नहीं था। सर, जब म्यूजिकल प्ले की बात करें, तो ये पहली बार है ऐसा कि म्यूजिकल प्ले इंडिया में आया है, अभी तक तो नहीं हुआ था, तो हाउ डू यू थिंक दिस विल हेल्प थिएटर्स टू ग्रो? देखिए, थिएटर हेल्प इसी तरह से करेगा, क्योंकि एक नया वेन्यू खुल गया और लोगों को लग रहा है कि इस बड़े लार्ज स्केल रिस्क तो लिया ना NCPA ने, शापू जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना पैसा इसमें लगाया, तो जाहिर सी बात है और बहुत से प्रोड्यूसर आगे आएंगे, और बहुत से इस तरह NCPA की तरह और बहुत सारे इंस्टीट्यूट आगे आएंगे, बहुत सारे सेंटर आगे, बहुत सारे डायरेक्टर अब हिम्मत करेंगे करने की। तो थिएटर के लिए तो बहुत अच्छा है, कोई भी मतलब अगर एक नाटक
चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे म्यूजिकल हो, चाहे कोई भी हो, सक्सेसफुल होता है तो थिएटर को एक हिम्मत मिलती है, एक हौसला मिलता है। और इतने बड़े लार्ज स्केल पे अगर थिएटर सक्सेसफुल हुआ है तो थिएटर के लिए तो बहुत बड़ा बूस्ट है। अब लोग पैसा लगाने से डरेंगे नहीं कि नहीं यार, अगर अच्छी चीज़ करी जाएगी, बेहतरीन चीज़ की जाए तो लोगों को पसंद आएगी। और उसका सर नेक्स्ट टाइम दिल्ली में परफॉर्म करने वाले हैं, दिल्ली थिएटर का बैकग्राउंड है, होम ग्राउंड है बेसिकली, तो क्या एक्सपेक्टेशन है दिल्ली क्राउड से? मैं तो दिल्ली से ही यहाँ पे आया, आई एम गोइंग बैक टू पवेलियन। मैं दिल्ली से ही हूँ, NSD से हूँ। दिल्ली में मैंने बहुत थिएटर किया है, बल्कि यहाँ की बनस्पत वहाँ पे मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे धुरंधर बैठे हुए हैं एक से एक। लेकिन फिर वही है ना कि अगर आपने बॉलिंग करनी है तो सामने सचिन तेंदुलकर हो तो ही मज़ा आएगा ना। गली के बच्चे को क्या बॉलिंग करके मज़ा आएगा, तो वो तो और खुशी है कि अच्छा सामने दिल्ली की ऑडियंस होगी तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो सेम एज़ आई डिड अर्लियर, मैं नर्वस नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली।